हेलो एवरीवन, मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को स्वागत करती हूं। और टाइम हो रहा है 12, तो 12 बजे अपना ये जो न्यू ब्लॉग है इसको शुरू मैं कर रही हूं और आप सबसे बातें करते हुए मैं चलूँगी, कुछ वर्क करूंगी और साथ में हम सास बहू मिलकर कुछ काम करेंगे, आप सबके साथ शेयर मैं करूँगी। और बता दूँ एवरीवन कि मैं क्या बताऊँ, हमारे घर तो समस्या जाने की नाम ही नहीं ले रहा है। जब से हम लोग घर में आए हैं बाहर से, तब से कुछ ना कुछ हम लोग के साथ में परेशानियाँ बढ़ते ही जा रही है। देखिए भगवान की कब तक परीक्षा हम लोग से लेते हैं। कहते हैं ना कि जिन पर भगवान की कृपा होता है उन्हीं के पास में ज़्यादा दुख दर जाता है, तो मैं मानती हूँ इसलिए जाता है एवरीवन कि हो सकता है कि हम बंदे को दुख दर्द देंगे, हो सकता है बंदे हमको भूल जाएगा, इसलिए भगवान उसी को परीक्षा लेते हैं जिन पर उनका ध्यान, जिनके ऊपर कृपा होता है। तो बस वही हुआ है हम लोग के साथ में, देखिए कब तक वो अपना जो कृपा दृष्टि हम लोग के ऊपर बनाए रखते हैं। तो पहली वाली जो गाय थी उसको हम अपने वीडियो में बता दी है एवरीवन, वो तो ख़त्म हो गई, नहीं बच पाई। लेकिन जो हमारी दूसरी काव है उसका भी तबीयत ख़राब हो गया है और इसको भी लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। अपने फैमिली में सब परेशानी की जो माहौल होता है ना वही चल रहा है हमारे यहाँ। तो इसको तो मैंने उपचार, उसको भी तो उपचार हम लोग बहुत कराए थे लेकिन इसको उपचार हो रहा है। डॉक्टर जो हमारे गांव क्षेत्र का जो साइड है एवरीवन, मैं बता दूं यहाँ पर जो मवेशी डॉक्टर लोग होते हैं जो सरकारी होते हैं, तो ये उस सब की यहाँ पर सुविधा नहीं है, बहुत कम सुविधा है। क्योंकि जो एक होते हैं ना कंपाउंडर के रूप में लोग दवा सुई करते हैं, बस वही लोग बच गए हैं, वही लोग आकर सुई दवा देते हैं। और भगवान ये भरोसा जिस पर होता है वो ठीक हो जाती है सब, और जिस पर नहीं होता है वो तो अपना यानी अलग ही उसकी बात हो जाता है। ये जीवन में नहीं कहूँ मिसाफा खोलकर, तो वही है तो लगे हैं इसमें। और ये जो बीमारी है डॉक्टर बताए जो लंपी की बीमारी हुआ है हमारा, लगता है एक साल से हमारे पूरे विश्व में यानी पूरे देश में हमारे छाया हुआ है। जो कि जैसे कि कोरोना था तब कोरोने के ही आकार में जो लंपी बीमारी है काऊ के सिर पकड़ रहा है और पकड़ रहा है। तो जब अगर हम तुरंत इसको जांच कराते हैं तो इसको दावा नहीं निकला हुआ है, बस इसको अंदाज से ही जो झोले छाप डॉक्टर होते हैं जो असली डॉक्टर होते हैं वो भी दवा दे रहे हैं, बस सिर्फ अंदाज पर ही दवा दे रहे हैं और भगवान के भरोसे। जैसे कि हो गया हम घर में इसको ज़्यादा हम उपचार अपना खुद से ही इसको कर सकती है, ऐसा बीमारी है। जैसे कि नीम के पत्ते हो गया या गिलोई हो गया, हल्दी हो गया, या ऐसे भी हम घरेलू जो उपचार होता है वही सबके लिए बहुत लाभदायक इसमें होता है, बहुत लाभदायक। लेकिन इस समय हमारे जो हस्बैंड हैं घरेलू उपचार बहुत कम ही कर रहे हैं, जो अंग्रेजी दवा है उस पर ज़्यादा ये विश्वास रखते हैं। तो देखिए अंग्रेजी दवा तो करा रहे हैं लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है एवरीवन, क्योंकि हम देखे हैं पीछे वाली हमारी गाय में क्या हुआ था। डाल देने फिर भी कपड़ा में फिर पनिया में भेई पानी नहीं खे मैं पर गिर गई तरह क्या पनिया रो क्या मिनट पर वैसे ही धीरे धीरे डाल के सिकत रही है तरह सिकाई तो ठीक हो जाए। इधर धीरे 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 डाले थोड़ा थोड़ा करके देखो देखिए अभी आस्ते आस्ते गिराएं दीगी जो ना कितना आराम से खड़ा भी ऐसे कबावती है। हेलो फ्रेंड, तो देखिए ये हमारी काऊ जो दूसरी काऊ है उसका भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, पता नहीं सबका एक बीमारी चला हुआ है, तो लगता है सबका एक बीमारी चला हुआ है। अभी अभी देखिए ये पैर इसको सिकाई हो रही थी और अभी सीकर उसमें जो कॉटन होता है कपड़ा, तो देखिए इसी के हुआ है और हम लोग लगे हैं इसको सेवा करने में। देखिए भगवान इसको कब तक सही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो में।